नमस्कार मित्रों, अब हम बात करेंगे अध्याय 5 चैप्टर 5 डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग को हमने 5 भागों में बांटा है। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, सर्विस थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अकाउंट, जनधन अकाउंट, भामाशाह इनेबल बैंक अकाउंट। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, इसमें हम कहीं भी किसी समय 24/7 आवर्स बैंकिंग यूज ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन पर कम लागत, सामान्य लागत में कटौती, कम समय की लागत, बहुत सुरक्षित, पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित करना, घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का भी लाभ लेना, ये हम ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएँ। इसमें पहली सेवा है आधार प्रमाणीकरण के जरिए बैंक खाता खोलना। दूसरा है अपने खाते की शेष राशि और स्टेटमेंट की जांच करना, अपने खाते से किसी और खाते में धन ट्रांसफ़र करना, फिक्स्ड डिपॉजिट, अन्य निवेश और उनका प्रबंधन करना, यूटिलिटी बिल, टेलीफोन, मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, ETC बिलों का भुगतान करना, डिमांड ड्राफ्ट चेकबुक के लिए अनुरोध करना, चेकबुक का भुगतान रोकना, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक करना, डेबिट कार्ड पिन पुनर्जनरेट करना, ETC ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे खाते खोले जाने की प्रक्रिया। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो खाते खोले जाते हैं उसमें पहला है जनधन खाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई है, एक राष्ट्रीय योजना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं जैसे बचत, जमा, बैंक खाता, प्रेषित धन, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि किफायती तरीकों से पहुँचे। इसमें दूसरा खाता आता है भामाशाह सक्षम बैंक खाता। भामाशाह योजना की पहल 2008 में भारत सरकार राजस्थान सरकार द्वारा सीधे लाभ स्थानांतरण प्रदान किए के उद्देश्य से की गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला प्रयास था। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेश, महिला सशक्तिकरण और प्रभावी सेवा वितरण है। यह पारदर्शी तरीके से लक्षित लाभार्थियों को नगद और गैर नगद लाभों को स्थानांतरित करने के लिए एंड टू एंड सेवा डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। मेथड एंड प्लेटफॉर्म्स मीन्स ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की विधि और प्लेटफॉर्म्स। इसमें सबसे पहला आता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड है जिसे किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जिससे धारक सामानों या सेवाओं को क्रेडिट कार्ड पर खरीद सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक पैसे का सबसे आसान रूप है जो उपलब्ध है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्रेडिट कार्ड भुगतान की स्टेप। भुगतान करते समय आपको अपनी भुगतान विधि के रूप में क्रेडिट कार्ड को चुनने की आवश्यकता होती है। क्रेडिट कार्ड में जैसे आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे क्रेडिट कार्ड चुनने के विकल्प के उदाहरण जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस, ETC। यदि आपका क्रेडिट कार्ड का प्रकार बॉक्स सूची में लिस्ट में नहीं है तो आप मर्चेंट उस प्रकार के क्रेडिट कार्ड को स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद में आपको विवरण दर्ज करने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लोक प्रतीक HTTPS है का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। लोक और HTTPS सुनिश्चित करते हैं कि आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित एवं सत्यापित है। उसके बाद में अपना नाम दर्ज करें जैसे आप क्रेडिट कार्ड में दिखाई देता है। यह सत्यापित करने के लिए कि आपने अपना नाम सही ढंग से दर्ज किया है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड को देखें। इसके बाद अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज करें। क्रेडिट कार्ड के नंबर 16 अंकों के होते हैं, समाप्ति की तिथि, सुरक्षा कोड जिसे बोलते हैं हम CVV कोड जो क्रेडिट कार्ड के पीछे होते हैं। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड नंबर के बाद कार्ड के पीछे 3 अंकों की सुरक्षा कोड मुद्रित
प्रिंट किया जाता है। अपने क्रेडिट कार्ड के लिए बिलिंग पता दर्ज करें। यह वह पता है जिस पर आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट प्राप्त करते हैं। ध्यान दें कि यह पता शिपिंग पते से भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके स्टेटमेंट पोस्ट ऑफिस पर प्राप्त होते हैं, लेकिन आप अपने ऑर्डर को अपने घर में भेजना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रकार के उपहार के रूप में भेजना चाहते हैं, जब आप भुगतान बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होता है। प्रमाणीकरण पर इस को दर्ज करें। OTP दर्ज होने के बाद आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका सफल ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद में आपको सक्सेसफुली लिखा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हम डेबिट कार्ड का भी उपयोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड में कंपनी, जिस कंपनी में क्रेडिट कार्ड है उसमें एक लिमिट होती है। लिमिट के अनुसार आपके पास पेमेंट होता है। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000, तो आप 50,000 तक की खरीदारी कर सकते हैं। इसमें कंपनी एडवांस पेमेंट देती है और उसका भुगतान आपसे 1 महीने बाद तक लेती है। डेबिट कार्ड्स में आपके बैंक में जो पैसा होगा उसको आप डेबिट कार्ड के थ्रू आप उपयोग ले सकते हैं। डेबिट कार्ड में भी वही सिस्टम होता है, सेम उसी अनुरूप कार्य होता है। इसके बाद में आता है रुपए कार्ड भुगतान। रुपए पेमेंट का एक संयोजन है, भारत के राष्ट्र भुगतान निगम NPCI के द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया। यह कार्ड डेबिट कार्ड का एक भारतीय संस्करण है। यह देश में भुगतान प्रणालियों का एकीकरण के इरादे से बनाया गया है। यह भी इसी प्रकार से कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेट बैंकिंग। आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग भारत में सबसे लोकप्रिय भुगतान विधियों में से एक है। अधिकतर जो भुगतान होते हैं वो होते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा। कुछ साइट्स होती हैं जिसमें हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ लेते हैं तो उसमें चार्ज होता है, और अभी नेट बैंकिंग में चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है, मीन्स कोई चार्ज नहीं होता है। इस मामले में भी आपके द्वारा खरीदारी करने के बाद राशि तुरंत आपके खाते से काट ली जाती है। नेट बैंकिंग से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप। सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा है। आपके जो खाते में पैसा होगा वही आप नेट बैंकिंग में यूज ले सकते हो। वेबसाइट आपको अपने भुगतान विधि के लिए पूछेगी। आपको अपने भुगतान विधि के रूप में नेट बैंकिंग को चुनना होगा। कुछ मामलों में मर्चेंट वेबसाइट आपको भुगतान गेटवे पर पुनर्निर्देशित करेगी। विवरण दर्ज करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लोग प्रतीक HTTPS है। HTTPS के बारे में पहले ही बताया था। HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, कि जिस वेबसाइट पर आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापित है। यानी HTTPS होता है तो आप जो वर्क कर रहे हैं वो साइट सुरक्षित है और सत्यापित है। यदि HTTP होता है तो वो साइट रिक्सेबल होती है, उसमें आपका कार्ड या आपके यूजरनेम पासवर्ड हैक हो सकते हैं। भुगतान पद्धति के रूप में नेट बैंकिंग का चयन करते समय आपको अपने बैंक का चयन करने के लिए कहा जाएगा। जहां आपका इंटरनेट बैंकिंग खाता है, फिर आपको भुगतान करने के लिए अपने बैंक की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। आपके खाते में लॉगिन करने के लिए आपको यूजर ID पासवर्ड का उपयोग करना होगा। एक बार लॉगिन सफलतापूर्वक करने के उपरांत आपको अपनी राशि की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। अधिकांश वेबसाइट आपके भुगतान प्रक्रिया को सुरक्षा बढ़ाने के लिए OTP का उपयोग करते हैं। OTP आपके बैंक खाते से आपके मोबाइल नंबर भेजा जाता है। कुछ बैंक अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधाओं जैसे डेबिट कार्ड के पिन या ग्रिड विवरण आदि भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार आप सफल ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे नेट बैंकिंग, अब हम बात करते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल।
पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग खुदरा रिटेल स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। एक POS टर्मिनल आमतौर पर सभी तरह के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा देता है। अब हम बात करते हैं मोबाइल पेमेंट यानी मोबाइल से भुगतान। इसमें 6 पॉइंट्स हैं। पहला है मोबाइल डिजिटल वॉलेट, दूसरा है UPI, तीसरा है भीम, चौथा है USSD और पांचवा है AEPS और छठा है गूगल फास्ट ऐप। हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, मोबाइल डिजिटल वॉलेट। सबसे पहले हम मोबाइल भुगतान की बात करते हैं। मोबाइल भुगतान होता क्या है? मोबाइल भुगतान आमतौर पर एक मोबाइल डिवाइस से या उसके द्वारा किए जाने वाली भुगतान सेवाओं से संबंधित हैं। इन्हें मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है और ये सेवाएं वित्तीय नियमों के तहत संचालित की जाती हैं। ऐसे कई मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, जैसे डिजिटल मोबाइल वॉलेट, UPI, भीम, USSD, AEPS, माइक्रो ATM, ETC। अब हम इसके फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, मोबाइल एंड डिजिटल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट भौतिक वॉलेट बटुए का डिजिटल समतुल्य है जिसमें हम पैसे रखते हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कार्यकर्ता उपयोगकर्ता को एक बैंक अकाउंट की तरह पैसा रखने की सुविधा देता है। किसी उपयोगकर्ता को मोबाइल वॉलेट प्रदाता के साथ एक खाता बनाने की आवश्यकता होती है। इस मोबाइल वॉलेट अकाउंट में डेबिट एवं क्रेडिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एवं नकदी के माध्यम से पैसा जमा किया जाता है जिसे उपयोगकर्ता बाद में खर्च कर सकता है। भारत में कई मोबाइल वॉलेट उपलब्ध हैं। कुछ बैंकों द्वारा, कुछ निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। वे ज़्यादातर समान सेवाएं एक ही प्रकार की ऑपरेटिंग प्रक्रिया प्रदान करते हैं। मोबाइल वॉलेट के कुछ उदाहरण हैं जैसे पेटीएम, SBI बुड्डी, फ्री रिचार्ज, मोबिक्विक, फोनपे, ऑक्सीजन, MRupee, पेयूमनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन, एम पैसा, एक्सिस बैंक लाइम, ICICI पॉकेट, स्पीड पे, ETC। ये सभी मोबाइल वॉलेट हैं। भारत में कई व्यापारी जो पेटीएम के माध्यम से स्वीकार करते हैं। आदि खरीद के बाद आप मर्चेंट मोबाइल नंबर, ईमेल का उपयोग कर व्यापारी को पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं या व्यापारी को पेटीएम द्वारा निर्दिष्ट प्रीप्रिंट किए हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप मर्चेंट को अपने वॉलेट के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग इत्यादि के उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं। इस प्रकार मोबाइल वॉलेट होते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्री चार्ज। फ्री चार्ज एक ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल वॉलेट है जो भारत में प्रीपेड मोबाइल फ़ोन, पोस्टपेड मोबाइल, DTH, डाटा कार्ड रिचार्ज के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन चैट और पे सुविधा प्रदान करता है जो दो फ्री चार्ज उपयोगकर्ताओं को अपने फ्री चार्ज वॉलेट से अपने बीच पैसे हस्तांतरण करके प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये स्प्लिट बिल जैसे कुछ रोचक सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें आप अपने दोस्तों के बीच भुगतान की जाने वाली राशि को विभाजित कर सकते हैं। फ्री चार्ज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल किया जा सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं स्टेट बैंक बडी। आपके स्मार्टफोन से हेतु बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक ने भी सुविधा मोबाइल वॉलेट की किए हैं जिसको बोलते हम स्टेट बैंक बड़ी। इसी प्रकार अपन बात करते हैं UPI। अभी हम बात करते हैं मोबाइल डिजिटल वॉलेट। अब हम बात करेंगे UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए राष्ट्र भुगतान निगम द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है जो स्मार्टफोन के उपयोग से किसी भी दो बैंक खातों के बीच में धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। UPI एक ग्राहक को बिना क्रेडिट कार्ड, वितरण IFSC कोड या नेट बैंकिंग वॉलेट पासवर्ड का विवरण दर्ज किए एक बैंक खाते से अलग अलग व्यापारियों को ऑनलाइन ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है।
आपको एम पिन तैयार करना होता है, क्योंकि यह मोबाइल के माध्यम से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक होता है। एम पिन जनरेट करने के लिए निम्न स्टेप होती है। उस बैंक खाते का चयन करें आप ट्रांजैक्शन शुरू करना चाहते हैं, और मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण एम पिन जनरेट करें और विकल्प चयन करें। आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जारीकर्ता बैंक से वन टाइम ओटीपी प्राप्त होता है। आपको डेबिट कार्ड के 6 अंतिम अंक एवं समाप्ति तिथि दर्ज करनी होती है। ओटीपी और पंचता संख्या तो एम पिन जो दर्ज करें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में ग्राहक एम पिन बदलने के लिए नोटिफिकेशन या सक्सेसफुली या डिक्लाइन प्राप्त करता है। पुराना एम पिन को पसंदीदा एम पिन दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। इस प्रकार ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं भीम, भारत इंटरफेस ऑफ मनी। भीम यूपीआई पर आधारित एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है। यदि आपने अपने बैंक खाते पर यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया है जो आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, और आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम ऐप का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसमें वह सभी भारतीय बैंक शामिल होंगे जो तत्काल भुगतान सेवा के आधार पर बने हुए हैं, और ये ऐप सब में सेफ ऐप भी मानी जाती है। भीम ऐप का उपयोग करने के तरीके, इसमें सबसे पहला एंड्रॉयड या आईओएस उपयोगकर्ता भीम ऐप की खोज गूगल प्ले सॉरी प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, अपनी भाषा चुनें। ऐप आपको एसएमएस उपयोग से अपना फ़ोन नंबर सत्यापित करने के लिए संकेत देता है। इसके उपरांत नेक्स्ट क्लिक करें। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। एक बार सत्यापन पूर्ण हो जाने पर 4 अंकों का पासकोड दर्ज करें। एक पासकोड सेट करने के बाद ऐप आपको अपने बैंक का चयन करने के लिए कहता है। एक बार बैंक का चयन करके ऐप आपके फ़ोन नंबर का उपयोग करके आपके विवरण को स्वचालित रूप से उठाता है। प्राथमिक बैंक खाते का चयन करें और आपके सभी लेन देन का उपयोग किया जा सकता है। यह भीम भारत सरकार द्वारा चलाई गई ऐप है। इसी तरह आप अपने फ़ोन नंबर का उपयोग करके किसी से धन मंगवाने का अनुरोध कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यह सेवा बुनियादी सुविधा युक्त मोबाइल फोन का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अनुमति देती है। USSD सेवाओं को उपयोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन होना आवश्यक नहीं है। यह सेवा आपके मोबाइल फोन पर एक संख्या *99 हेज डायल करके इस्तेमाल की जा सकती है, जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में एक समान होती है। यह मोबाइल स्क्रीन प्रदर्शित इंटरेक्टिव मेनू से यह सेवा काम करती है। यह हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। USSD में धन ट्रांसफर की एक सीमा होती है, बैंक के लिए भिन्न होती है। यह सेल्फ सर्विस मोड पर चलता है। आपको ट्रांजेक्शन के लिए मोबाइल मनी पहचानकर्ता और एम पिन की आवश्यकता पड़ेगी। USSD पर उपलब्ध सेवाएं जैसे बैलेंस की पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, MMID जाने, एम पिन बदले, ओटीपी उत्पन्न करें, ये आदि सुविधाएं USSD में होती हैं। अब हम लास्ट पॉइंट सॉरी फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। AEPS बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है। धन प्राप्त करने की ये व्यवस्था न तो आपको हस्ताक्षर नहीं डेबिट कार्ड की मांग करती है, ये प्रमाणीकरण के आधार पर डेटा का लाभ उठाती है। UPI USA की तरह यह भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम की ओर से पहल है। AEPS एक मशीन है जिसे माइक्रो ATM कहा जाता है। यह मशीन POS मशीनों के समान है जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को स्वीकार करती है। एकमात्र अंतर यह है, इसमें किसी भी कार्ड के बजाय आपको अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का उपयोग करके अपने भुगतान को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यापारी जिसे भुगतान स्वीकार करने की जरूरत है,
वह आधार संख्या और मनी राशि मशीन में मौजूद टच इंटरफेस पर उपयोग करके दर्ज करेगा। ग्राहक को उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके भुगतान को प्रमाणित करना होता है। इससे बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, नगद जमा और आधार इनेबल फंड ट्रांसफर इस ऐप के जरिए की जाने वाली सेवाएं हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, गूगल तेज ऐप। गूगल तेज, यह पहले तेज ऐप थी, अब इसको गूगल ने परचेज कर लिया तो इसका नाम हो गया गूगल तेज ऐप। गूगल की एक मोबाइल पेमेंट सर्विस है जो कि भारत के यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तेज एक हिंदी शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ है फास्ट है। यह भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस के ऊपर चल रहा है। इसका इस्तेमाल उन सभी जगह किया जाता है जहां यूपीआई पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं। गूगल तेज भारत में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतर स्मार्टफोन्स को सपोर्ट करती है। ये ऐप कई भाषाएं जैसे अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु इत्यादि को सपोर्ट करती हैं। गूगल तेज दोनों iOS एंड्रॉइड आधारित डिवाइसेज हेतु कंपेटिटिव और डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इस प्रकार इसे भी अपन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज ले सकते हैं। इस प्रकार 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सभी को वीडियो वॉच के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सा है, आज के टाइम में बुक्स पढ़ने के बजाय हर व्यक्ति क्वेश्चन सुनना ज़्यादा पसंद करता है। यदि आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट्स जल्दी याद हो जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं बुक्स को शॉर्ट रूप में आपको प्रस्तुत कर सकें। इसके अलावा आगे मोस्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट पेपर है और भी कोई गाइड है वो हम आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो देखनी हो तो sisitjaipur.com/video_gallery.php या sisit.qsfind.com पर भी जाके देख सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाली वीडियो आपको ऑटो मिल जाएगी। यदि आपका या अपने परिवार में या और अपने रिलेशन में किसी का एग्जाम हो या होएगा तो उनके लिए लाभदायक रहेगी। एग्जाम से पहले हम मोस्ट क्वेश्चन भी भेजेंगे और हो सका तो मोस्ट पेपर भी आप तक उपलब्ध हो सकता है। उसके लिए नीचे आप देखेंगे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ग्रे कलर में बदल जाएगा और लिखा हुआ जाएगा सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। जैसे सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा उसके पास में आपको बेल भी दिखाई देगी। बेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें तीन ऑप्शन आएंगे जिसमें पहला ऑप्शन है ऑल, उस पर क्लिक करेंगे तब भी हम आपको वीडियो भेजते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और उसमें आपको हेल्प मिल सके। धन्यवाद सभी मित्रों, धन्यवाद।